हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 लैप्स ऑफ ऑफर, यानी कि एक ऑफर किस कारण से रिवोक हो सकता है और एक ऑफर को किस तरह से रोका जा सकता है, यानी रिवोक किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 के अंदर आज हम स्टडी करेंगे रिवोकेशन हाउ मेड। तो रिवोकेशन कैसे बनती है, सेक्शन 6 देख लेते हैं। ए प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल रिवोक हो जाता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, यानी कि एक नोटिस के द्वारा भी किसी प्रपोजल ऑफर को रोका जा सकता है, यानी कि जो प्रपोजल है उसे क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, एक प्रपोजल को रोका जा सकता है एक नोटिस के द्वारा। ठीक है, नोटिस किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रपोजल के द्वारा। प्रपोजल कौन होता है, हमने पहले भी बताया था, प्रपोजल वही व्यक्ति होता है जो प्रपोजल देता है और ऑफरर भी हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अदर पार्टी जो सेकंड पार्टी होगी, जिसको जिसके लिए जो प्रपोजल बनाया गया था उस पार्टी को वो नोटिस देना पड़ेगा। किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रपोजल के द्वारा। मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, ए क्या करता है, बी को ऑफर देता है किस चीज का, बाइक सेल का, अपनी बाइक सेल करता है ए बी को, ठीक है, 10,000 रुपीज के अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, बाय पोस्ट बी के पास लेटर सेंड कर दिया, लेटर के अंदर इसने जो बी को ऑफर दे दिया है, बाय पोस्ट ऑफर दे दिया। ठीक है, ऑफर देने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी बाइक 10,000 में नहीं बेचनी चाहिए थी, इसकी कॉस्ट है जो ज्यादा है, यह 15,000 की है। ठीक है, तो इसका मन बन गया कि मैं जो अपना ऑफर है उसे रिवोक करना चाहता हूँ, यानी कि ऑफर को रोकना चाहता हूँ, मैं बी को अपनी जो बाइक है वह सेल नहीं करूंगा। तब क्या होगा, जब मान लिया बी के पास क्या हो गया, लेटर पहुंच गया, उसने जो इसका ऑफर देख लिया, बट इसके एक्सेप्टेंस देने से पहले, ठीक है, तो ए क्या करता है, एक सेकेंड लेटर लिखता है जिसके अंदर वह एक बी को बोलता है कि वह अपनी जो बाइक है वह सेल नहीं करेगा, वह अपना जो प्रपोजल है उसे वापिस लेता है, उसे खत्म करता है, रोकता है, रिवोक कर देता है। तो इस तरह भी एक जो हमारा क्या है, प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है कि बी अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे रोक सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सेक्शन 5 आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने कंप्लीट बता दिया था कि जो एक्सेप्टर है वह अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसे कैसे रोक सकता है। वैसे मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, यहाँ पे मान लिया इसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस बाय लेटर पोस्ट कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब तक एक्सेप्टेंस क्या है, ए की कम्युनिकेशन में ना आए, उससे पहले बी क्या करता है, इसे फोन कॉल करके बोल देता है, ठीक है, कि मैं जो आपकी बाइक है वह परचेज नहीं करना चाहता। तब भी क्या होगा, जो इसकी एक्सेप्टेंस है वह रिवोक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि बाय द लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की चूक की वजह से, यानी कि टाइम की वजह से भी एक प्रपोजल क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। ठीक है, टाइम की वजह से कैसे रिवोक होगा, अगर टाइम पर जो प्रपोजल की है वह क्या एक्सेप्टेंस ना दे, यानी कि जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था, जिस व्यक्ति के लिए वह पार्टी क्या अपनी एक्सेप्टेंस ना दे टाइम पे, तब भी क्या हो जाएगा, एक प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लिया ए और बी दो पार्टी है, ठीक है, ए अपना घर है वह सेल करना चाहता है 1,00,000 रुपीज में। ठीक है, ए ने यह ऑफर दे दिया, मान लिया 1 तारीख को दिया था और बोला अगर आप 10 तारीख तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देते हो
ठीक है, 10 तारीख तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो मैं समझूंगा कि आपने जो मेरा प्रपोजल है वह स्वीकार नहीं किया, तो इस वजह से भी क्या एक प्रपोजल रिवोक हो जाता है। ठीक है, तो इन 10 डेज के अंदर अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है, ठीक है, तो एक प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, और इफ नो टाइम इज सो प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ए ने प्रपोजल दे दिया, ठीक है, और टाइम मेंशन नहीं किया कि इतने समय में आपको जो है इसकी एक्सेप्टेंस देनी है, तो तब क्या होगा, बाय द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर, यानी कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस देनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ए ने प्रपोजल दिया 1 तारीख को 2020 में, ठीक है, और आप उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हो 1 तारीख को 2021 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तब तक वो ऐसे थोड़ी ना कि बैठा रहेगा आपके एक्सेप्टेंस का वेट करेगा। तो उसका क्या मीनिंग है कि रीजनेबल टाइम होता है, जैसे भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए, नहीं अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो वह आपका प्रपोजल है जो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के, ठीक है, तो मतलब वह तो ऐसा ही मानेगा कि आपको वह स्वीकार नहीं है, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद बोलते हो कि हाँ मैं तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, तो प्रपोजल आपका रिवोक हो चुका होगा। तो इसलिए अब बात करते हैं प्रेस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ टाइम रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम के अंदर जो एक्सेप्टेंस देनी जरूरी होती है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन टू एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टर के द्वारा जो प्रपोजल के अंदर कंडीशन दी गई है उसे फुलफिल ना कर पाने पर भी जो पार्टी है, सेकंड पार्टी जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था, वह भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती है, तब भी क्या हो जाता है, एक प्रपोजल रिवोक हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लिया ए और बी दो पार्टीज है, ए ने एक ऑफर दे दिया बी को अपने हाउस का, हाउस ए सेल करना चाहता है, ठीक है, और साथ में ही ऑफर के अंदर ए ने कोई भी कंडीशन रख दी, ठीक है, कोई भी कंडीशन रख दी, मान लिया कि ये भी कंडीशन रख दी कि मैं मेरा घर तुम्हें लेने के बाद भी 1-2 महीने तक उसके अंदर ही रहूंगा, ठीक है, कि आप परचेज कर लोगे उसके बाद भी मैं उस घर में रहूंगा 1-2 महीने तक, जब तक कि मेरा नया घर नहीं बन जाता। अगर बी यह कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, कि बी बोलता है कि नहीं मैं परचेज करूंगा तो मैं आपको नहीं रहने दूंगा अपने घर के अंदर, ठीक है, परचेज करने के बाद, तो ए क्या बोलता है, यह जो हमारा मैंने आपको ऑफर दिया था वह रिवोक हो जाएगा अगर आप इस कंडीशन को नहीं मानते हो, तो तब क्या होगा, जो प्रपोजल है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा अगर एक्सेप्टर है जो वह क्या कर नहीं कर पाता है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है जो कि एक प्रपोजल के अंदर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस देने से पहले ही जो प्रपोजल है वह क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल, अगर प्रपोजल की डेथ हो जाए या फिर प्रपोजल पागल हो जाए तब भी क्या होगा, इन फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज, अगर उसकी क्या है मृत्यु और इंसेनिटी नॉलेज में आ जाए, किसकी नॉलेज में आ जाए, एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाए बिफोर एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले, यानी कि प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देने से पहले अगर एक्सेप्टर को पता चल जाए कि जो प्रपोजर है वह मर गया है या फिर वह पागल हो गया है, तब भी एक जो प्रपोजल है हमारा वह क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मान लिया 2 पार्टीज है ए और बी, इनके बीच में क्या बन रहा है, एक इनके बीच में एक प्रपोजल बन रहा है, ए प्रपोजल देता है बी को कि वह अपनी जो बाइक है वह सेल करना चाहता है, ठीक है, ए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि हर बार ए बी का ही एग्जांपल होता है या फिर एक्स वाई जेड का होता है,
एक्स और ए हमेशा क्या मिलते हैं, अमीर ही मिलते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं बी को, ठीक है, और बी बेचारा खरीद नहीं पाता किसी भी केस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, तो क्या हो गया, ए क्या हो जाता है, मर जाता है या फिर इंसेन यानी कि पागल हो जाता है। तब क्या होगा, बी को उस बात की नॉलेज ही नहीं है, वह जा रहा है पोस्ट ऑफिस में अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए, ठीक है, कि मैं तो ये बाइक खरीदूंगा ही अब की बार तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, ये तो मर गया उसको पता ही नहीं है, तब क्या हो गया, वह प्रपोजल वहां पे रिवोक हो जाएगा जैसे ही उसकी नॉलेज में आएगा, जैसे बी को पता चलेगा, बी के नॉलेज में आ गया कि ए तो क्या हो गया, मर गया है, तब क्या हो जाएगा, जो प्रपोजल है वह रिवोक हो जाएगा अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। एक्सेप्टेंस देने से पहले यानी कि बिफोर द एक्सेप्टेंस, यानी कि जब तक उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, जब उसकी नॉलेज में आ गया है कि ए है जो मर गया है या फिर पागल हो गया है, तब वहीं पर वो प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। एक्सेप्टेंस देने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि परफॉर्म फिर उस प्रपोजल को कोई कर नहीं पाएगा, तो इसलिए ये हमारा जो क्या है, प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम आंसर जरूर देंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको रेगुलर हमारी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।